हेलो नमस्ते, मेरा नाम अनुज्ञा शर्मा भंडारी है और मैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड इंडिया 2014 की विनर हूँ और आई एम एन एक्टर बाय प्रोफेशन। आपने मुझे बहुत सारे एड्स में देखा होगा, जैसे कि आप इस चेहरे को काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। ऑल्सो मैंने कुछ सीरियल्स किए हैं जैसे कि कसम तेरे प्यार की, आपके आ जाने से जो कि जी टीवी पे आता था। मेरी एक फ्रेंड है अलीमा जिनका यूट्यूब चैनल है सिटी एंड क्रिएटिविटी विद अलीमा। तो मैं सबसे पहले अलीमा जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उनके थ्रू मुझे बहुत सारे लोगों को जानने का मौका मिला। तो सबसे पहला ब्रेक मुझे एज एन एक्टर एक एड में मिला था जो मैंने किसी कार्टून चैनल के लिए आई गेस किया था। यस, सो अलीमा द आंसर इज कि इट डिपेंड्स कि आप आई मीन व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू और आप किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप आगे जाना चाहते हैं उतना ही मतलब स्ट्रगल होता ही है किसी भी फील्ड में। ऐसा नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में होता है, सब फील्ड्स में होता है। तो स्ट्रगल करने से मेरे हस्बैंड हैं मिस्टर पवन भंडारी जी, वो और हम दोनों एक साथ में वी यूज टू स्ट्रगल एंड हम दोनों एक दूसरे को एनकरेज करते थे और हम कभी पीछे नहीं हटे, ना हम सिचुएशन से डरे। हाँ ऑफकोर्स आप यंग होते हो और आप न्यू आते हो बॉम्बे में तो एक क्रेज रहता है, बट अलॉन्ग विद दैट क्रेज आपको बहुत और भी चीजें हैं जो हैंडल करनी पड़ती हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, रहना हो, एवरीथिंग। जब आप बॉम्बे आते हो, किसी जगह पे शिफ्ट होते हो, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। ऑल द एक्टर्स हु वांट टू डू गुड इन द इंडस्ट्री, आप किसी भी जरिए के थ्रू, जैसे आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, ऑनलाइन ऑडिशंस भी होते हैं, प्लस कास्टिंग वाले भी काफी आपकी रीच में हैं, तो जैसे भी हो सके आप ऑडिशंस दीजिए। और शॉर्टकट मुझे नहीं पता इंडस्ट्री का, मैं इंडस्ट्री में हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्टकट है, ये मेहनत की ही बात है। और इसके साथ साथ में टाइम का अश्योरिटी मैं आपको भी नहीं दे सकती कि टाइम कितना लगेगा, तो आई एम रियली सॉरी गाइस, आई कांट टेल यू कि आप कितने टाइम में एक्टर बन जाओगे। ये आपके हार्डवर्क पे, कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है और मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर आई फील कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, हार्डवर्किंग है, तो वो चीज आपकी होके रहेगी एंड आप अपनी मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छे से ऑडिशन देते रहिए, सबसे मिलते रहिए, आपका जो भी काम है वो हो जाएगा। एंड अगेन मैं जितना इजीली बोल रही हूँ, मैं फिर वो कहती हूँ कि मेरी फैमिली में मुझे बहुत सपोर्ट था, लाइक माय हस्बैंड, वो भी मुझे हमेशा से वो मुझे एनकरेज ही करते आए हैं और आगे भी वो चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा करूँ, जो कि मेरे लिए एज अ सपोर्ट है, एज एन इमोशनल सपोर्ट या एज जैसा भी आप सपोर्ट समझे। तो जर्नी कोई भी आसान नहीं होती है, बस स्ट्रगल तो सब में होता ही है। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक पैंडेमिक कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो इस चीज का सब इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है, इंक्लूडिंग फिल्म इंडस्ट्री। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सभी लोग घर पे रहिए, मेरी दरखास्त है आपसे, सेफ रहिए, खुद को भी सेफ रखिए और अपनी फैमिली के को भी सेफ रखिए। दिस इज अ प्रेयर फॉर द होल नेशन दैट ये हमारा देश, पूरी दुनिया इनफैक्ट, इस चीज से जल्दी बाहर आए, ये भगवान से मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच अलीना एंड गॉड ब्लेस यू एंड योर यूट्यूब फैमिली, मे यू कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।